आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। नमस्कार, सनमार्ग लाइव 7 में मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नक्सलियों के कारनामे की। राजधानी रांची में उग्रवादियों का आतंक देखने को मिल रहा है। आए दिन उग्रवादी पोस्टरबाजी कर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि उग्रवादियों ने राजभवन के पास पोस्टरबाजी कर एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने राजभवन के पास से पोस्टर को हटा लिया है। तो नक्सलियों की धमक एक बार फिर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उग्रवादी जो है लगातार पोस्टरबाजी कर रहे हैं। राजभवन के पास पोस्टरबाजी, हालांकि पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पोस्टर को हटा लिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी उग्रवादी कल बुढ़मू में पोस्टरबाजी कर चुके हैं। दहशत फैलाने की कोशिश उन्होंने की थी, साथ ही साथ ग्रामीणों को चेतावनी दी थी बुढ़मू में कि अगर वो पुलिस की मुखबिरी से बाज नहीं आए तो उनके लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने पंडरा में भी पोस्टरबाजी की, पिस्का मोड़ के पास भी पोस्टरबाजी की और आज राजभवन के पास। तो कहीं ना कहीं TSPC एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में है, अपनी धमक दिखाने की कोशिश में है। इस तरह की हरकतों से उग्रवादी ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तो राजधानी रांची में उग्रवादियों का आतंक जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन उग्रवादी पोस्टरबाजी कर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राजभवन के पास पोस्टरबाजी की है उग्रवादियों ने, दहशत फैलाने की कोशिश की है। हालांकि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने फौरन पोस्टर को हटा लिया। पंडरा, पिस्का मोड़, बुजमू और अब राजभवन के पास उग्रवादी लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो चेतावनी दे रहे हैं, दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो किसी बड़ी घटना को, किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। तो उग्रवादियों की धमक जो है एक बार फिर राजधानी में देखने को मिल रही है। लगातार राजधानी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश और फिराक में है उग्रवादी। पोस्टरबाजी कर लोगों में दहशत फैलाना चाहते हैं। कल बुढ़मू में उन्होंने पोस्टरबाजी की, चेतावनी दी ग्रामीणों को, उसके बाद से ग्रामीणों में दहशत कायम है। तो उग्रवादियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आज दिन उग्रवादी पोस्टरबाजी कर लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि उग्रवादियों ने राजभवन के पास पोस्टरबाजी कर एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राजभवन के पास से पोस्टर को हटा लिया है। तो नक्सलियों की धमक जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में पोस्टरबाजी की खबरें अधिकतर सामने आती रहती हैं। जहां जहां नक्सली एरिया है, उस नक्सली क्षेत्र में हमेशा ही नक्सली किसी न किसी वारदात को अंजाम देते रहते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी वो अपनी धमक दिखाने से बाज नहीं आ रहे। तो ग्रामीण इलाकों के साथ साथ अब शहरी क्षेत्रों में भी उग्रवादी अपनी पैठ मजबूत करना चाहते हैं। कहां है हमारी पुलिस, क्या कर रही है हमारी पुलिस, सबसे बड़ा सवाल। दिन दहाड़े राजभवन के पास पोस्टर चिपकाया जाता है और जब पुलिस को जानकारी मिलती है तब पोस्टर हटा लिया जाता है। आखिर क्या समझें हम इस घटना को। ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा ही नक्सली वारदात चलते रहते हैं,
ग्रामीण हमेशा ही जहां जहां नक्सली एरिया है वहां के लोग दहशत में जीने को विवश हैं। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती है, बावजूद उसके अब उग्रवादी जो है शहरी क्षेत्रों में अपनी पैठ मजबूत करने की फिराक में है। तो उग्रवादी लगातार अपनी धमक दिखाने से बाज नहीं आ रहे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रतीक सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ग्रामीण क्षेत्रों में तो हमेशा ही नक्सली वारदात को अंजाम देते आए हैं, अब शहरी क्षेत्रों में भी अपनी धमक दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रतीक, बिल्कुल कृति आपने सही कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में तो नक्सली अपनी धमक दिखाते ही, लेकिन अब शहरी क्षेत्र में भी नक्सली अपनी धमक दिखाने लगे हैं। और यही वो जगह है जहां पे पोस्टर साटा गया था और पुलिस अब एक्टिव हुई है और काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस यहां आई है और अब पुलिस जो जांच में जुट गई है। तो जाहिर सी बात है, कुछ दिन पहले कल ही हम लोग ने रियलिटी चेक कराया था और कहा था कि रात के समय में जो थाने की पुलिस है वो सोई रहती है और ये इसी का फायदा उठाकर नक्सली आज यहाँ पोस्टर साटे हैं, लेकिन अब ये देखने को आ रहा है कि पुलिस हरकत में आ गई है। प्रतीक, सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पोस्टरबाजी से नक्सली क्या साबित करना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं? जी, आपको मैं पहले भी कह चुका हूं कि सूबे के जो डीजीपी हैं वो कह रहे थे कि नक्सलवाद को जड़ से मिटा देंगे और ग्रामीण क्षेत्र में अगर नक्सली अपनी उपस्थिति देते हैं तो ये लगता है कि वहाँ पुलिस फोर्स कम रहता है, लेकिन राजधानी रांची में अगर इस तरह की घटना को अंजाम अगर नक्सली देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके मनोबल काफ़ी हाई है और पुलिसिया तंत्र जो है, पुलिस का जो सूचना तंत्र है वो काफ़ी कमज़ोर है। यही वजह है कि राजभवन जो सबसे पॉश एरिया है, ये जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं ये राजभवन का बाउंड्री वाल है और इससे जस्ट सटे आगे जाकर मुख्यमंत्री का आवास है, मुख्यमंत्री के बाद विधानसभा अध्यक्ष का आवास है, उनके बगल में आपको डीजीपी का आवास है, साथ ही साथ चीफ जस्टिस का भी आवास है। तो कितनी गंभीर बात है कि इन जगहों पे अगर आकर नक्सली पोस्टर साटते हैं तो ये रांची पुलिस के लिए शर्म की बात है। प्रतीक, आपने कहा कि रांची पुलिस के लिए शर्म की बात है, सबसे बड़ी बात यह कि हमने रियलिटी चेक भी किया था कि आखिर क्या करती है हमारी पुलिस, किस तरह से अपने कर्तव्यों का वो निर्वहन करती है, उसमें भी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई। अब क्या मतलब निकाले हम इसका? जो पुलिस के जवान हैं हाजिर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि एक सेकंड जा सुना जाए, नक्सली आकर यहाँ पोस्टर साट जाते हैं, आखिर क्या कर रही है बात हमारे नक्सली आकर पोस्टर साट जाती है? जी जी, राजभवन के दीवार पे। हाँ अंकित जी, एक प्रेस रिपोर्ट आ रहा है, उनसे बात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक ठीक। जी जी जी, आखिर क्या लगता है पुलिस का तंत्र, जो खुफिया तंत्र है, कुछ कलियों नजर आ रहा है आपको? इस संबंध में हम क्या बोले, यहाँ पे जो है अभी जो ये हो रही है इसका जांच किया जा रहा है, ये कौन चिपकाया नहीं चिपकाया है, कैमरा के माध्यम से इसका पहचान किया जाएगा इसमें। तो हम लोग ने रियलिटी चेक भी की थी, तो रात में कितने लोग आप लोग थाना में रहते हैं कि रात का फायदा उठाते हुए? गए हुए थे सुखदेव नगर थाना। हाँ, गए हुए थे आप खुद सुखदेव नगर थाना गए हुए थे तो देखे थे हम लोग, तो थे ही है ना वहाँ पे। तो क्या लग रहा है कि और भी पुलिस बल बढ़नी चाहिए या खुफिया तंत्र पुलिस का मजबूत होना चाहिए? नहीं, जो है गश्ती पूर्ण रूपेण से होना चाहिए, क्षेत्र में गश्त के माध्यम से ही आरोपी पे जो है लगाम लगाई जाएगी इसमें।